लाती। मैंने ये यूनिफॉर्म सिर्फ उसी के लिए पहनी है। सुना यूनिफॉर्म देख के उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट जाती है। शक्ति शक्ति कौन है बे? तेरे बचपन का दोस्त योर पैल गोपाल। आपका दोस्त गोपाल आया है? गोपाल थैंक यू भगवान, थैंक यू। कसम बनाने वाले की जो आज तेरे दोस्त को पुलिस वाला बना दिया, सर पर टोपी और हाथ में डंडा थमा दिया। हाउज आई लुक्स? मैं तो चला लगता हूँ ना एकदम झकास। जैसे अमिताभ पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखता था, अजय सलमान और अक्षय खाकी में चमके थे, वैसे ही तेरा दोस्त चमक रहा है। तू गोपाल को देखकर लाल हो रहा है। इसका चीरहरण पक्का है। तुझे मुझ पर गर्व हो रहा है ना? बता ये खाकी मुझ पर कैसा लग रहा है? रिटर्न्स ऑफ दबंग। शुरू होगी जंग। मैं इस शहर के एक भी बदमाश को चैन से सोने नहीं दूंगा। मेरे सामने पुलिस की वर्दी कैसे पहन के आया? खाकी यूनिफॉर्म के साथ साथ इसे ऐसे फाड़ा है कि सेलो टेप से भी नहीं चिपकेगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ खाकी रंग की अंडरवेयर नहीं पहनी है, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। एक पुलिस वाले की क्या हालत कर दी है। मैं यहाँ सेफ हूँ, यहाँ मुझे एक खरोश तक नहीं आ सकती। साले तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे सामने पुलिस की वर्दी पहन के आ गया? कल रात मेरे सपने में रागिनी आई थी, सनी डे में मेरे साथ एमएमए सेमेमेस खेल रही थी। ए रुक रुक रुक। चिका ढिक चिका ढिक चिका। क्या रे ट्रिपल सीठा, अपने बाप का रोड समझाए क्या? चलो उतरो, फाइन भरना पड़ेगा। खाकी वर्दी दिख गई, अब यहाँ जरूर भूचाल आएगा। मैडम मैडम कुछ? अरे कुछ नहीं सुनना हमें, 500 तो देना पड़ेगा। निकालो। क्या ढूंढ रहे हो? पत्थर चाहिए? मैं देता हूँ ना। 100 की जगह 200। तो क्या है? बस इतने ही मिले। सिलेक्ट वन। तुम कुछ भी बोलो, हम नहीं मानने वाले। है गुलशन, भाभी के लिए परफेक्ट सिलेक्शन। बेशरम रिश्वत ले रही हो खुलेआम, शर्म नहीं आती? तुम में और एक भिखारी में कोई फर्क है या नहीं? शाबाश, तुमने ही पुलिस का नाम खराब कर रखा है। अबे ये मेरी भाभी बनने के लायक नहीं, तेरी भाभी बनने के लायक है। तेरे लिए कुर्बानी दे दूंगा। मिस्टेक हो तो वार्निंग दे दो, माफ करके उसे जाने दो। इस तरह तंग क्यों करना? पतली कमर, पाली उम्र, तिरछी नजर, वाह क्या बात है, मैं तो कवि हो गया, कवि। आज कैमरा काम आ गया, भाभी को फोकस करके खुद आउट ऑफ फोकस हो गया। लेफ्ट वाले को भी थोड़ा फोकस में लेना, मेरा भी भला हो जाए। अच्छी लगी। मेरी और मेरी माँ की चॉइस सेम है। रंग कितना सुंदर है। बहुत बढ़िया स्कूटर है। आप किसे देख रही थी? स्कूटर को।
आप बिना क्या आप ये नहीं चाहते कि कोई इस घर में आकर के चिराग जलाए? जला ले। देख, देख, अरे मेरी फीलिंग समझा? नहीं समझा? कैसे समझाऊं? बाहर से एकदम गर्म और अंदर से बिल्कुल ठंडा। अब भी नहीं समझा क्या? इसे कैसे समझाऊं? यस, ये है ठंडा। ये क्या कर रहा है? कॉफी दे, कॉफी दे। और ये है गर्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल यही लगता है। अब जाकर के तू मेरी फीलिंग समझेगा। चलता हूँ। ये लड़की शोला भी है और शबनम भी। हाँ? वाह, तुम्हें ये सुंदर लगी? पहले तो मेरी तारीफ करते थे। करता था, लेकिन तब तक मैं इससे मिला नहीं था ना। झूठ कहा था तुमने। पापा! ये तो भड़क गई। देखिए, देखिए ना पापा, देखिए तो जरा। लोगों को पुलिस वाले पीटते हैं, पर इस लड़की ने पुलिस वाले को पीट दिया। क्या धुलाई की है। कान खोल कर सुन, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे। आप छोड़ो, मैं पकड़ता हूँ। आपकी उम्र जो हो गई है। मेरी उम्र हो गई? अच्छा। अपने धंधे में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं है। ए, विजय, मेरी फीलिंग समझाया, फिर से समझाऊं? भाई, माइनिंग ऑफिसर ने हमारा काम ठप कर दिया है। आप लोग खुद को समझते क्या है? सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं? आपको कहां तक परमिशन दी थी और ये कहां तक खोद डाला? होशियारी करते हो? आपके नाम पर चौकड़ी लगाकर अपने सीनियर तक रिपोर्ट दूंगा, फिर देखना क्या होता है। भाई, लगता है इसे पैसे चाहिए। मैं बात करूं? तुमको जो चाहिए मिल जाएगा। कुछ नहीं चाहिए हमें। इतना हिचकिचाते नहीं है। हाथ मिला लो। भाई, ऑफिसर के साथ मामला सेट हो गया है। बहुत नखरे दिखा रहा था, पर मैंने उसे शीशे में उतार लिया। शीशे में उतारा? वो भी तूने? हाँ भाई। भाई, राव तो अपना पुराना आदमी। दुश्मनों पर एक बार भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन गद्दारों पर कभी भी नहीं। अरे, तेरे चेहरे पे क्यों 12 बज रहे हैं? तुझे भी मार दूंगा अगर तूने गद्दारी की तो। तेरा भी यही हाल होगा। चलो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भाभी से मिला रहे और कहाँ? चलो, चलो भी। कहीं वो स्कूटर वाली तो नहीं? हाँ, वही है। उसके स्कूटर के नंबर से उसका पता ढूंढ निकाला है। चलो ले आए। अरे सुन तो सही, अभी अभी तो नजरें मिली हैं, उसके बाद नजरें टकराएंगी और फिर आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। अरे अरे रुक तो सही, मेरी बात तो समझ। कितने नखरे। चलो आज ही बारात लेके जाएंगे, मरवाओगे तुम लोग। चलो, गंडे सिर्फ हड्डियां तोड़ते हैं, दिल नहीं तोड़ते। अरे छोड़, तो पोटी देखने जा या फिर पोटी करने जा, मुझे क्यों लेके जा रहा है? I am police. वैसे एक बात बता, इस लड़की में खास क्या है? What is special है? तू नहीं समझेगा। भाई, उसकी कोई छोटी बहन है क्या? मैं आया। यहाँ से मैं संभालूंगा, मेरी पर्सनालिटी देखकर वहाँ कह देंगे। क्या झांक रहा है? चोरी कर रहा है क्या? पीछे आ, पीछे। यहीं खड़े रहो। क्या आप ही हैं प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर जिसने अपनी बेटी को प्रोड्यूस किया? को प्रोड्यूसर कहा है? को प्रोड्यूसर? अरे अंकल, आपकी पत्नी। किस लिए? शिवा भाई को पहचानते हो क्या? वो नहीं जिसे देख के निकल जाती है, ये शिवा भाई का बेटा है, शक्ति। आपकी बेटी जूलियट को देखकर मेरा भाई मजनू हो गया है। आपकी बेटी के हाथ के साथ बॉडी चाहिए। ओ मीनाक्षी। अरे बेटी चाहिए मम्मी नहीं। शांति ऑफिस गई है। शांति है? लगता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा। प्यार लाओ। शांति, व्हाट अ मॉडर्न नेम। शक्ति और शांति की शानदार जोड़ी। शांति का नाम लेके तू इतना अशांत क्यों हो रहा है? मेरी काम वाली बाई का नाम भी शांति है। चल अच्छा है, तो उनका रिंगटोन नहीं रखा है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बेटी को फोन करके बुलाइए ना। हेलो।
वैसे एक बात कहूं, आपकी बेटी की आंखें क्या चल रहा है? हिरनी जैसी प्यारी है। इन्हीं की बेटी है, इन्हें बता रहा है या फिर इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है? उसके पीले स्कूटर की मीठी मीठी आवाज आ गई। आ गई क्या? प्यार है ये आपकी बेटी के स्कूटर को भी अच्छे से पहचानता है? वो नाती तो है ना, कल तो उसकी खुशबू से पहचाने का तो प्रॉब्लम ना हो जाए। तूने तो मेरी लाइफ बना दी। अरे तू वहां क्या कर रही है? चॉइस पे तो हम सब शॉक हो गए भाई, पलट कर देखो तो। सुपर सिलेक्शन भाई, पलटो तो जरा। मुझे शर्म आ रही है, ऐसा एटम बम सुना है कि हम सबके होश उड़ा दिए। जिसके चक्कर में पड़ा है वो मामूली शांति नहीं है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की क्रांति है। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। बेटा गोपाल, ये नोच लेगी तेरे बाल। कौन है ये पापा? बताता हूँ बेटी, वो लड़का तुमसे प्यार करता है इसलिए तुम्हारा हाथ मांगने आया है। क्या कहा? रिश्ता आया है, जल्दी अपने कपड़े बदलो और चाय लेकर वहाँ। क्या पापा, अंदर चल के अपने कपड़े चेंज करो और मेहमानों के लिए कॉफी लेकर। वो इंतजार कर रहे हैं।